हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गेम कौन कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो ब्रॉडली चार टाइप के गेम्स हैं, परफेक्ट इंफॉर्मेशन, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। सो स्टार्ट करते हैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम्स। सो जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम है वो गेम है जिसमें एजेंट कंप्लीट बोर्ड को देख सकता है, राइट या फिर मैं कह सकती हूँ एजेंट को गेम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है और वो दूसरे के मूव को भी देख सकते हैं, जैसे कि चेस, चेकर्स, गो एटसेट्रा, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम्स। सो परफेक्ट इंफॉर्मेशन में जो एजेंट है वो कंप्लीट बोर्ड को देख सकता है, गेम की सारी इंफॉर्मेशन है एजेंट के पास और दूसरे के मूव को भी वो देख सकता है। सो ये तो हो गई बात परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम के बारे में। अब देखते हैं इन परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम्स क्या है। सो एजेंट को सारी इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट द गेम, राइट, और एजेंट को ये भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है, राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द गेम। सो इस टाइप की गेम को हम बोलते हैं इन परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम्स। जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो टिक टैक टू, राइट, बैटल शिप, ब्लाइंड ब्रिज, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं इन परफेक्ट इंफॉर्मेशन गेम्स। जो नेक्स्ट टाइप की गेम है वो है डिटर्मिनिस्टिक गेम्स, राइट। डिटर्मिनिस्टिक गेम्स वो गेम्स होती है जो एक स्ट्रिक्ट पैटर्न और जिसके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को ही फॉलो करती है। यहाँ पर कोई रैंडमनेस नहीं है इन दिस गेम, राइट, या फिर इसके रूल्स से रिलेटेड भी कोई रैंडमनेस नहीं है। सो डिटर्मिनिस्टिक गेम में कोई स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो होगा, यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स है, कोई रैंडमनेस नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल है चेस, चेकर्स, टिक टैक टू, राइट। नेक्स्ट टाइप है नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेम्स। सो जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेम्स होती हैं वहां पर बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं। यहाँ पर एक फैक्टर होता है लक का या फिर चांस का, और ये जो लक का फैक्टर है ये डाइस या कार्ड्स के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि रैंडम है, राइट। एक रैंडमनेस आ जाती है और इस रैंडमनेस का जो एक्शन रिस्पॉन्स है वो भी फिक्स नहीं होता। नॉन डिटर्मिनिस्टिक गेम्स को स्टोकास्टिक गेम्स भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल है पोकर, बैकगेमोन एटसेट्रा, राइट। सो अब आता है एक और टाइप का गेम जिसे बोलते हैं जीरो सम गेम। सो जीरो सम गेम एडवर्सेरियल सर्च है। एडवर्सेरियल सर्च हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। सो यहाँ पर प्योर कॉम्पिटिशन है, जो एजेंट का, अगर एक एजेंट का गेन है सो दूसरे का लॉस होएगा, राइट। जीरो सम गेम में जो एजेंट का गेन है या लॉस है, सो इट इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ अदर एजेंट। एक एजेंट का गेन हो रहा है तो दूसरे का उतना ही लॉस होएगा, दूसरे का लॉस हो रहा है तो फर्स्ट एजेंट का उतना ही गेन हो रहा है। सो जो वन प्लेयर है वो ट्राई करता है कि मैक्सिमाइज करे सिंगल वैल्यू को, जो दूसरा प्लेयर है वो ट्राई करता है उस मैक्सिमाइज वैल्यू को मिनिमाइज करे, राइट। प्लेयर के हर एक मूव को प्लाय बोला जाता है और इसका एग्जांपल होएगा चेस या टिक टैक टू। सो जीरो सम गेम एक एडवर्सेरियल सर्च है जिसमें प्योर कंपटीशन होता है। एक एजेंट का जो गेन और लॉस का यूटिलिटी फंक्शन है वो एग्जैक्टली बैलेंस किया जाता है दूसरे एजेंट के गेन और लॉस के यूटिलिटी फंक्शन से। सो मतलब अगर एक का गेन है तो दूसरे का उतना ही लॉस होएगा, दूसरे का गेन है तो पहले का उतना ही लॉस होएगा। सो वी गेट जीरो सम, इसी से ही इसका नाम आया है जीरो सम गेम। सो जो एक प्लेयर है वो अपना वैल्यू, सिंगल वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता है, जो दूसरा प्लेयर है वो फर्स्ट प्लेयर की सिंगल वैल्यू को मिनिमाइज करना चाहता है। और वन प्लेयर के मूव्स को क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्लाय। एग्जाम्पल है चेस, टिक टैक टू, राइट। सो इसके अलावा भी और काफी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नाउ कमिंग टू द जीरो सम गेम एम्बेडेड थिंकिंग। सो एम्बेडेड थिंकिंग क्या होता है, जो जीरो सम गेम है यहाँ पर एम्बेडेड थिंकिंग का यूज किया जाता है, जिसमें कि एजेंट और प्लेयर वो फाइंड आउट करता है कि वॉट टू डू, हाउ टू डिसाइड द मूव, नीड टू थिंक अबाउट द ओपोनेंट ऑल्सो, राइट। जो एजेंट है उसे ओपोनेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा और जो ओपोनेंट है उसको भी सोचना पड़ेगा वॉट टू डू, राइट। सो जो सारे प्लेयर है वो ट्राई करते हैं कि फाइंड आउट करें कि जो ओपोनेंट है उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा उसके फ्यूचर एक्शंस की तरफ, और जिसके लिए एम्बेडेड थिंकिंग या फिर जिसे बैकवर्ड रीजनिंग भी बोलते हैं उसे यूज करना पड़ता है गेम की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सो व्हाट टू डू, हाउ टू डिसाइड द मूव,
ओपोनेंट क्या सोच रहा है, राइट, ओपोनेंट का एक्शन क्या होएगा, राइट। सो दीज आर एम्बेडेड थिंकिंग। सो एम्बेडेड थिंकिंग में जो एजेंट है या प्लेयर है वो फिगर आउट करता है कि उसे क्या करना है, नेक्स्ट मूव कैसे डिसाइड करना है, ओपोनेंट के बारे में भी सोचता है और जो ओपोनेंट है वो भी सोचता है कि क्या करना है। सो बोथ ऑफ द प्लेयर ट्राई टू फाइंड आउट द रिस्पॉन्स ऑफ ओपोनेंट टू देयर एक्शंस। सो दोनों प्लेयर फाइंड आउट करते हैं कि ओपोनेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा उनके खुद के एक्शन के लिए, और इसके लिए एम्बेडेड थिंकिंग का यूज करते हैं या फिर इसे बैकवर्ड रीजनिंग भी बोलते हैं। सो नाउ गेम थियोरी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं जिससे हम फॉर्मलाइज कर पाएंगे कोई भी प्रॉब्लम को। सो इनिशियल स्टेट स्पेसिफाई करता है कि गेम कैसे सेटअप है स्टार्टिंग में। सो इट स्टेट्स हाउ द गेम इज सेटअप एट द स्टार्ट। सो प्लेयर प्लेयर स्पेसिफाई करता है कौन से प्लेयर ने मूव करा है स्टेट स्पेस में, बताता है कि कौन सा प्लेयर एक्चुअली मूव कर रहा है करेंटली स्टेट स्पेस में। एक्शंस क्या होते हैं, एक्शंस कुछ सेट ऑफ लीगल मूव्स होते हैं जो प्लेयर रिटर्न करता है स्टेट स्पेस में। सो इट्स अ सेट ऑफ लीगल मूव्स। सो रिजल्ट एस कॉमा ये एक ट्रांजिशन मॉडल है, राइट। एस से एक्शन लगाने के बाद, स्टेट से एक्शन लगाने के बाद कौन सा रिजल्ट आएगा, राइट। सो इट्स अ ट्रांजिशन मॉडल। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बताता है, कोई एक्शन अप्लाई करा इनिशियल स्टेट पे तो रिजल्ट क्या आएगा। सो रिजल्ट स्पेसिफाई द रिजल्ट ऑफ मूव, आपने एक मूव चला स्टेट स्पेस में उसका रिजल्ट क्या आया। नेक्स्ट इज टर्मिनल टेस्ट। सो टर्मिनल टेस्ट ट्रू रिटर्न करेगा, ये टर्मिनल टेस्ट ट्रू होएगा अगर गेम ओवर हो गई है, और अगर गेम ओवर नहीं हुई है तो टर्मिनल टेस्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। टर्मिनल स्टेट कौन सी होती है, जो गेम ओवर की स्टेट होती है उसे टर्मिनल स्टेट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूटिलिटी। सो यहां पर पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेयर, एस रिप्रेजेंट कर रहा है टर्मिनल स्टेट, राइट। और यूटिलिटी फंक्शन क्या करता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करता है गेम के लिए, राइट। सो उस न्यूमेरिक वैल्यू से टर्मिनल स्टेट पे पहुंचते हैं गिवन प्लेयर पी के लिए। इसे पे ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, राइट। जैसे कि चेस के लिए आउटकम क्या हो सकते हैं, विन और लॉस, राइट। सो जब भी हम विन के लिए बात कर सकते हैं तो वैल्यू प्लस वन दे सकते हैं, राइट। अगर हम लॉस की बात कर रहे हैं तो वैल्यू को जीरो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस वन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा डिफरेंट टाइप के टर्मिनोलॉजी एंड हाउ वी कैन फॉर्मलाइज द गेम। सो नाउ कमिंग टू द गेम ट्री। अब ये गेम ट्री को ही आगे हम यूज करेंगे मिनीमैक्स प्रॉब्लम में और अल्फा बीटा प्रूनिंग में। सो गेम ट्री क्या होता है, गेम ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें जो नोड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं गेम की स्टेट्स को, और एजेस क्या होते हैं, एजेस होते हैं ट्री के जो होते हैं वो मूव्स बाय द प्लेयर। नोड्स क्या है, गेम स्टेट्स, एजेस क्या है, मूव्स बाय द प्लेयर। सो ऐसा ट्री जिसमें नोड्स गेम स्टेट रिप्रेजेंट करे, राइट, और एजेस रिप्रेजेंट करें प्लेयर्स के मूव, तो इसे हम गेम ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इनिशियल स्टेट होता है, एक्शन फंक्शन होता है और रिजल्ट फंक्शन होता है। सो इसके लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं टिक टैक टो गेम ट्री। सो टिक टैक टो गेम की बात करें तो यहाँ पर टू प्लेयर्स रहेंगे, दोनों प्लेयर्स को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक को मैक्स और एक को मिन, राइट। सो दोनों प्लेयर यहाँ पर हमारे मैक्स और मिन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो ये दोनों प्लेयर की ऑल्टरनेट टर्न आएगी, ये हमने टिक टैक टो वाली वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ है। सो दोनों प्लेयर की ऑल्टरनेट टर्न रहेगी। मैक्स क्या करेगा, मैक्स चाहेगा कि वो अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज करे, राइट। सो गेम ट्री में अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, और मिन क्या करेगा, मिन मैक्स के रिजल्ट को मिनिमाइज करेगा, राइट। सो अब इसका एक एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होएगा, यहाँ पर इनिशियल स्टेट में मैक्स के पास अगर 9 पॉसिबल मूव्स है, सो मैक्स अगर हम एक्स को लेते हैं, मिन हम ओ को लेते हैं, राइट। टिक टैक टो में मैक्स की स्टेट दे दी हमने क्रॉस, मिन की दे दी जीरो। सो मैक्स के पास कितने पॉसिबल मूव है, 9 सेल्स के अंदर वो क्रॉस पुट कर सकता है, सो 9 मूव्स है, 9 मूव्स इनिशियली है मैक्स के पास, राइट। सो नाउ द बोथ ऑफ द प्लेयर अल्टरनेटिवली प्ले, राइट, बोथ ऑफ देम विल अल्टरनेटिवली प्ले। पहले मैक्स क्या करेगा, क्रॉस पुट करेगा,
नाइन पॉसिबिलिटीज में फिर दूसरा मिन जीरो पुट करेगा अंटिल ऑल रो और ऑल स्क्वायर्स आर फिल्ड, राइट। जो दोनों प्लेयर्स हैं वो हर नोड की मिनीमैक्स वैल्यू कंप्यूट करेंगे, राइट। और ये हम मिनीमैक्स एल्गोरिदम में देखेंगे कि क्या होएगा। दोनों प्लेयर क्या करेंगे, वैल्यूज कंप्यूट करेंगे, मैक्स क्या करना चाहेगा उसे मैक्सिमाइज करना चाहेगा और मिन क्या करेगा उसे मिनिमाइज करना चाहेगा। दोनों प्लेयर हमें ये कंसीडर करना है, दे आर वेल अवेयर ऑफ द रूल्स एंड अबाउट द गेम। सपोज बोथ प्लेयर्स आर वेल अवेयर ऑफ टिक टैक टो और बोथ ऑफ देम आर प्लेइंग द बेस्ट, राइट। सो दे आर प्लेइंग देयर बेस्ट प्ले। सो जो दोनों प्लेयर है दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट अदर वन फ्रॉम विनिंग। मिन क्या कर रहा है, मिन एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर की तरह एक्ट करेगा जो मैक्स की चांसेस को अपोज करेगा विन करने के। मैक्स क्या करेगा, वो भी बहुत ही बढ़िया प्लेयर की तरह एक्ट करेगा और वो मिन के चांसेस को अपोज करेगा कि वो जीत ना पाए। सो गेम ट्री के अंदर हमारे पास एक लेयर मैक्स की होगी और एक लेयर मिन की होगी, राइट। सो गेम ट्री में एक लेयर मैक्स की होगी, एक लेयर मिन की होगी, राइट। और हर लेयर को क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल बोथ ऑफ द लेयर एज प्लाई। सो जो मैक्स क्या करेगा, मैक्स एक्स को प्लेस करेगा और मिन ओ को प्लेस करेगा, या मैक्स क्रॉस को प्लेस करेगा और मिन जीरो को प्लेस करेगा, जिससे कि मिन जीरो को प्लेस करेगा क्यों, वो मैक्स को जीतने से रोकेगा और मैक्स क्रॉस प्लेस करेगा जिससे कि वो ऑपोजिट मिन को जीतने से रोकेगा अंटिल द टर्मिनल नोड कम्स, राइट। सो ये मैक्स क्रॉस प्लेस करता रहेगा, मिन जीरो प्लेस करता रहेगा अंटिल टर्मिनल नोड कम्स। जब टर्मिनल नोड आ जाएगी उस समय स्टॉप हो जाएंगे, राइट। अदरवाइज टर्मिनल नोड जब तक नहीं आती है तो ऑल्टरनेटिवली दोनों जीरो और क्रॉस यहाँ पर लगाते रहेंगे। सो अगर दोनों ही विन नहीं करते, आइदर मिन और मैक्स डोंट विन, और क्या होते हैं, सारे सेल नाइन सेल फिल्ड अप हो जाते हैं, सो इट्स अ ड्रॉ, राइट। सो उस केस में ड्रॉ हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने अपने ऑल्टरनेट टर्न पे मिन और मैक्स क्या कर रहे हैं, अपनी विनिंग पॉसिबिलिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। सो जो एडवर्सेरियल सर्च है मिन मैक्स प्रोसीजर के लिए वो कैसे वर्क करती है। जो एडवर्सेरियल सर्च है ये क्या करती है, पहला चीज हमें फाइंड आउट करना है ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फॉर मैक्स टू विन द गेम। मैक्स के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करी जाती है जिससे मैक्स विन कर जाए, राइट। कौन सी अप्रोच चूज की जाती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च। जो ऑप्टिमल लीफ नोड है वो किसी भी डेप्थ पर आ सकती है, ऑप्टिमल लीफ नोड कैन अपियर एट एनी डेप्थ ऑफ ट्री। जो मिनमैक्स वैल्यूज हैं वो ट्री पे तब तक प्रोपोगेट करती रहती है जब तक टर्मिनल नोड्स नहीं डिस्कवर होता, और कहाँ पर प्रोपोगेट करती है, अपसाइड प्रोपोगेट करती है। जब तक टर्मिनल नोड नहीं फाइंड आउट होता तब तक मिनमैक्स वैल्यूज प्रोपोगेट करती रहती है, अपसाइड प्रोपोगेट करती रहती है। जो गेम ट्री है उसमें ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी डिटरमाइन करी जाती है विद द मिनमैक्स वैल्यू ऑफ द नोड्स। जो नोड्स पे वैल्यूज होंगी उससे ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। मैक्स क्या करेगा, स्टेट को मैक्सिमम रखने की कोशिश करता है और मिन ट्राई करता है कि स्टेट को मिनिमम रखा जाए, राइट। सो मैक्सिमम के एक्शंस क्या आएंगे, प्लेयर की मैक्सिमम वैल्यू को रिजल्ट करवाना और मिन मिनिमम वैल्यू को रिजल्ट करवाना। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स क्या होते हैं, गेम ट्री क्या होता है, टिक टैक टो का गेम ट्री आपको समझ आया होगा और एडवर्सेरियल सर्च समझ आया होगा कि कैसे यूज होता है गेम्स को सॉल्व करने के लिए। सो अगर आपको कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर डाउट को लिख दीजिए, आई बी ट्राइंग टू रिजॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया फीडबैक दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम मिनमैक्स एल्गोरिथम यूज करेंगे and we are going to understand it. So meet me soon in the next class, stay tuned for that. Till then, bye bye, take care, thank you.